वीरेंद्र हटियो ना डांटे ते भी डटियो ना नाच नाच कह गिर जाइए फिर की जैसा फिर जाइए नाच नाच के गिर जाइए फिर की जैसा फिर जाइए पांच का पहाड़ा रटियो ना नाच वीरेंद्र नाच वीरेंद्र हटियो ना डांटे ते भी डटियो ना नाच वीरेंद्र हटियो ना डांटे ते भी डटियो ना आज तू कर दे सबकी छुट्टी इस धरती की काट दे कुट्टी आज तू कर दे सबकी छुट्टी इस धरती की काट दे कुट्टी आज तू कर दे सबकी छुट्टी इस धरती की काट दे कुट्टी जो भी नाचन सामने आवे तेरे आगे ठहर न पावे किसी के बांटे बटियों ना नाच वीरेंद्र नाच वीरेंद्र हटियो ना डांटे ते भी डटियो ना किसी ते बैर नहीं है होशियारों की खैर नहीं है हमें किसी ते बैर नहीं है होशियारों की खैर नहीं है हमें किसी ते बैर नहीं है होशियारों की खैर नहीं है मेरे आगे ते हट जाइयो नाचना जानो तो डट जाइयो वरना मरते सटियो ना नाच वीरेंद्र नाच वीरेंद्र हटियो ना डांटे ते भी डटियो ना नाच वीरेंद्र हटियो ना डांटे ते भी डटियो ना नाच नाच कह गिर जाइए फिर की जैसा फिर जाइए पांच का पहाड़ा रटियो ना नाच वीरेंद्र हाँ नाच वीरेंद्र हटियो ना डांटे ते भी डटियो ना अरे क्या हुआ बेटा ताऊजी वीरेंद्र उसके दो तीन दोस्तों को पुलिस पकड़ कर ले गई कुछ लोग कह रहे थे कि वीरेंद्र ने किसका खून कर दिया भाई वीरेंद्र हम सबको पता तू निर्दोष है चिंता ना करिए मारे होते तू जेल में नहीं जा सकता हर भाई भगत उस जगत को बोल दिए उसका लड़का निर्दोष है हर कीमत पे छुड़ा के लावेंगे
तू चिंता ना करे। देख भाई बीरेंद्र, हम तुझे वहां ते छुड़ा के तो ले आए। हम सारों ने हजारों बार समझाया तुझे, तेरी समझ में नहीं आई। समझ में क्या आवेगा, जब मैंने कुछ करा ही नहीं। अरे तने करा तो कुछ नहीं, पर तेरा नाम तो आ गया, इसे कम मान रहा तू। लोग बाग आ गए तो हमारे कुछ नहीं कहते, पर पीछे के बाद बना हुआ है ये हम ही जाने। अच्छा तुम बताओ मैं क्या करूं, तुम जिस तरह कहोगे मैं उस तरह करूंगा। अरे एक बात और, मैंने उन सबके साथ उठना बैठना छोड़ रखा। जेल में जाएगा क्या बैठन उनके साथ, बता रहा बात उठना बैठना। भाई इसे बीरेंद्र को बाहर भेज दो, ये पुलिस वाले रस्सी का सांप बना हुआ है, इसे फिटा के ले जाएंगे। अरे इसे केले को कहाँ भेज दूं? है इसे तो मेरे साथ भेजो, दो एक महीने वहाँ रहेगा, जब तक यो मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। और 16 तारीख को संतोष का ब्याह है, मैं वैसे भी केला पड़ रहा, मेरा काम धाम हाथ बटावेगा। क्यों भाई वीरेंद्र, ऐसा ही यहाँ ऐसा ही वहाँ, अरे जी तो लग जाएगा तेरा। लग जाएगा जी का क्या, अब मैं यहां नहीं रहने वाला। तम तड़के ही निकल जाइयो। देख संतोष बीरेंद्र आ गया। भैया आ गया। मामी राम राम। राम राम बेटा राम। कैसी राम हो? जी भैया बीरेंद्र। हे संतोष कैसी है? अच्छी हूँ भैया, अगर आप ना आते तो मैं नाराज हो जाती। कैसी बात कर रही तू, तू 4 दिन पहले बोली थी ना मैं आ जाऊँ, ले मैं 15 दिन पहले ही आ गया। हाँ तो बहुत अच्छा किया। और तब अच्छा तक नहीं जाऊँगा जब तक तू विदा नहीं हो जाएगी। खुश है ना? अरे रोटी खिलाओ भूख लग रही। चल बेटा। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जगदीश हरे। ओम दस चौक 40। पप्पू तू मन में पहाड़ नहीं पढ़ सकता क्या? और तू मन मन में नहीं गा सकती आरती? दस एकम दस, दस दूनी बीस, दस दिया तीस, दस चौक 40, दस पंचे 50। तू मने भी चलवाएगा क्या? अगर तू भी चढ़ गई ना तो भगवान भी तुझे कुछ नहीं कहने का, और जो मैं भी चढ़ गया तो स्कूल में मेरा मास्टर मुझे मुर्गा बनावेगा। पप्पू की बात। दस एकम दस, दस दूनी बीस, दस दिया तीस, दस चौक 40, दस एकम दस, दस दूनी बीस, दस दिया, दस एकम दस, दस दूनी बीस, दस दिया तीस, दस चौक 40। ले इसे हाथ पूछ ले, सारे कुर्ते हाथ पूछ पूछ के सड़ा के धर रखे हैं, दौड़े तो मुझे पड़े हैं ना, सारे सड़ा सड़ा के कपड़े धर रखे हैं। सपना कहाँ गई? धर्मपाल के लौंडे की शादी है, गीतों में गई है। तू नहीं गई? ना मैं ना गई, मेरा बरत है आज। तू वहाँ गीतों में जा या खाना खान जा, खुआ भी देना कोई कोई तुझे। हाँ आजा संतोष आजा बेटा, बैठ जा बैठ जा। Let it
लो बेटा पताशे खाओ, लो बेटा, लो लो तुम भी लो। जिसे तू बार बार देख रही है ना वो मेरे भाई है बीरेंदर, तू कहे तो बात चलाऊं। जब बात चलानी होगी मैं तुझे बता दूंगी। चल उठ भाई बीरेंदर, उरे आइए। हाँ बोल संतोष। भैया ये है मेरी सहेली सपना, ये रात को अकेली जागी, इसे छोड़ के आई है। अरे मुझे तो इसका घर ही नहीं पता। घर मैं बता दूंगी। ठीक है। और सुन रात का समय है, कपड़े बदल के जाइए। लो आ गयो जी मारा घर, अंदर नहीं चलोगे? ना अभी नहीं, फिर कभी आवेंगे। एक बात कहूँ तुम्हें, मैं तेरे से मिलके मुझे यूं लगे है जैसे मैं तुझे पहले से जानूं। मुझे भी थारे से मिलकर अच्छा लगा, नहीं तो मैं छोरे से बात नहीं करती। सुन कल तू गीतों में जरूर आइए, वरना मेरा जी नहीं लगने का। ठीक है।